लखनऊ जोरदार तालियों के साथ। सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को। स्पष्ट लक्ष्य, सटीक रणनीति, न रुकना न थकना, नित नई सकारात्मक सोच से प्रदेश को विकास की ऊंचाई की ओर ले जाने में पूरी तरह सक्षम सुशासन के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुनय करती हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी जोरदार तालियों के साथ। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, वर्चुअली प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 5 सितंबर की तिथि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पावन जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, भारत की आज़ादी के आंदोलन में, भारत के संविधान निर्माण में, भारत के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम हो सकती है और भारत के उन सभी दार्शनिक पहलुओं को जिन्हें उन्होंने बड़ी सहजता के साथ देश के सामने प्रस्तुत किया था, उन सब के लिए, जिनकी सेवाओं के लिए आज़ाद भारत ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, भारत के ऐसे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस अवसर पर नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज यहाँ पर प्रदेश में शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्य भी किया है। हम सब जानते हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से पस्त थी, तब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन कर रहा था और उस दौरान 2020 में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल सैद्धांतिक न होकर के व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से ओतप्रोत करने में कैसे हमारे शिक्षण संस्थाएं ओतप्रोत हो सकती हैं और एक छात्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है उसका एक दिग्दर्शन है। व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के जो अभियान प्रदेश भर में और पूरे देश भर में प्रारंभ हुए हैं वह भारत को उसकी पुरातन पहचान शिक्षा क्षेत्र में भारत को जगतगुरु के रूप में स्थापित करना उसे दिलाने में सफल होगा, इसमें किंचित भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। शिक्षा जगत में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं और आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हम प्रयास कर लें कैसे परिवर्तन हो सकता है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विगत 5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। मुझे याद है जब मार्च 2017 में हमारी सरकार ने प्रदेश में पदभार ग्रहण किया था उस समय बेसिक शिक्षा परिषद के और माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालय बंदी की कगार पर थे, जीर्ण शीर्ण थे, विद्यालयों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, गंदगी का अंबार था, स्कूल जाना यह अभी इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को स्कूल न जाना पड़े इसके लिए उस समय की जो मानसिकता थी आज भी उससे ग्रसित किस रूप में दिखाई दे रहा है। यह 2017 के पहले के उस दृश्य का ही एक नमूना था उसमें। लेकिन एक जागरूक माँ बच्चे की शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है ये आज की वर्तमान परिस्थिति को वह प्रदर्शित भी कर रही थी और स्वाभाविक रूप से एक बेहतर समन्वय उसमें था। उस समन्वय को ध्यान में रखते हुए उस समय जो कार्यक्रम चले थे मुझे याद है जब हमारी प्रदेश में सरकार ने पदभार ग्रहण किया था माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए उस समय परीक्षाएं संचालित हो रही थी और परीक्षाओं के बीच में मेरे पास प्रतिदिन समाचार आते थे कि फलानी जगह सामूहिक नकल हुई है, फलानी जगह ये हो रहा है। और मैंने उस समय के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को उस समय मैंने आग्रह किया था कि आप कुछ सेंटर का स्वयं निरीक्षण करें, टीम को लेकर के जाएं और नकल विहीन परीक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय कुछ सख्ती की गई, रिजल्ट उस वर्ष बहुत खराब था क्योंकि बच्चों से आप परीक्षा में नकल विहीन परीक्षा की बात करेंगे और उससे पहले पूरे साल भर क्या स्थिति रही होगी सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन उसी समय लक्ष्य भी तय कर दिए गए थे कि 2018 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं होंगी तो किसी भी क्लास में शिक्षा में किसी भी में चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान हो, वोकेशनल एजुकेशन के हो, हायर एजुकेशन के हो, सेकेंडरी एजुकेशन के हो या फिर बेसिक एजुकेशन के, कहीं भी नकल नहीं होगी। और अगर नकल होगी तो नकल में छात्र का नहीं संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षक की जवाबदेही हम तय करेंगे। विद्यालय में पठन पाठन का माहौल पैदा किया गया, शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जहां पर भर्ती में थोड़ी देरी है वहां पर रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाओं को लिया गया और जहां पर रिटायर्ड शिक्षक कार्य करने के इच्छुक नहीं थे वहां विद्यालयों को इस बात की परमिशन दी गई कि कम से कम साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के शिक्षकों को वे मानदेय पर अपने स्तर पर रखें और जब नई नियुक्ति हो जाएगी तो फिर नई नियुक्ति के साथ ही उनकी उसी समय सेवाएं इनकी समाप्त होंगी और नए
लोगों को आप उसमें अवसर देंगे। परिणाम था 2017 के बाद से हमने नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ की और 2018 में जब माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं संपन्न हुई तो प्रदेश में 56 लाख जो बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बैठे थे, नकल विहीन परीक्षा कैसे होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विवाद के वह परीक्षाएं संपन्न हुई थी। समय पे परीक्षा हुई, एक महीने के अंदर रिजल्ट भी आया और पहले से दुगना परिणाम प्रदेश के अंदर आया था कि प्रदेश के अंदर पठन पाठन का एक माहौल प्रदेश के अंदर वह देखने को मिला। हम लोगों ने इस समय पहल की थी कि हमें विद्यालयों में पुरातन छात्र परिषद का गठन करना चाहिए, ये बेसिक हो या माध्यमिक। और उस समय क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमने थोड़ी भी पहल की होती या उस समय थोड़ी भी पहल होती बहुत अच्छे परिणाम पहले भी आ सकते थे। मुझे याद है एक समय पूरा पूर्वोत्तर भारत, पूरा मध्य भारत शिक्षकों की आपूर्ति का केंद्र उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उत्तर प्रदेश से ही पढ़े लिखे हर व्यक्ति शिक्षक बनकर के इन सभी राज्यों में गए हैं। किसी भी राज्य में अगर आप पूछेंगे, वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, उड़ीसा में भी बड़ी संख्या में यहीं से गए हुए शिक्षक वहां की शिक्षा व्यवस्था की कमान को संभाले थे। लेकिन क्या कारण हो गया कि शिक्षा की यह आधार भूमि अपने आप में कुंद हो गई? कारण था कि यहां पर न सरकार के स्तर पर ध्यान दिया गया था, न हमने समय के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास किया था, और न ही जो थे उन्होंने कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का ही प्रयास किया। जब जवाबदेही के साथ एक कार्रवाई प्रारंभ हुई उसके परिणाम भी सामने आते गए। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न हुई। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 से अधिक शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हम लोगों ने संपन्न की, तो माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक शिक्षकों के जो पद खाली पड़े हुए थे उस भर्ती की प्रक्रिया को भी इस दौरान संपन्न किया गया। और आपने देखा होगा कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अधिकतर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय, पठन पाठन का एक माहौल बना। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था। स्कूल चलो अभियान के परिणाम सामने आए। विगत 5 वर्ष में, पिछले 2.5 वर्ष भले ही कोरोना जैसी महामारी के बीच में हम जूझते हुए हमने व्यतीत किए, दुनिया कोरोना के सामने पस्त हुई और जो क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए थे उसमें शिक्षा भी एक थी। महीनों महीनों तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहे। जब एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का प्रश्न था उसका ध्यान दिया गया, लेकिन उस समय तकनीक का उपयोग करने का एक प्रयास हुआ। तमाम उस प्रकार के पोर्टल विकसित किए गए, ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था दी गई, दूरदर्शन ने तमाम चैनल प्रारंभ किए। इन सभी का उपयोग करने का प्रयास भी हुआ, लेकिन इस सब के बीच विगत 5 वर्ष के अंदर जो सबसे सुखद अनुभूति हमें इस बात की होती है, जब हम लोग मार्च जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ कर रहे थे, उससे पहले जब 16 के मैं आंकड़े देख रहा था तो प्रदेश में माध्यमिक बेसिक शिक्षा परिषद में 1,34,00,000 बच्चे उस समय इन सभी स्कूलों में अध्ययन करते थे, और जब मैं आज के आंकड़े देखता हूं तो ये संख्या 1,34,00,000 से बढ़कर के आज 1,92,00,000 हो चुकी है। यानी स्कूल चलो अभियान अपनी सार्थकता को प्राप्त कर रहा है और हम इस बात को मान सकते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होना
इस बात को प्रमाणित करता है कि वहां पे शिक्षा का स्तर बढ़ा है। इस दौरान ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया। पुरातन छात्र, मैं देख रहा था, हमारे मुख्य सचिव एक दिन मुझे बलिया एक कार्यक्रम में जाना था, बलिदान, बलिया बलिदान दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं भी इच्छा व्यक्त की कि मैं भी बलिया चलना चाहता हूं। तो मैंने समझा बलिया में वे स्वयं इसलिए जाना चाहते होंगे क्योंकि बलिया बलिदान दिवस है और 1942 में 19 अगस्त के दिन बलिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कई महीनों तक बलिया स्वतंत्र रहा, लेकिन जब मैं बलिया पहुंचा तब मुझे पता लगा कि नहीं, वहीं के एक इंटर कॉलेज में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए अपने स्कूल को देखने के लिए वहां जा रहे थे। अगर चीफ सेक्रेटरी के पद पर एक व्यक्ति अपने बचपन के उस स्कूल को जा करके देखने की इच्छा रखता है, क्या इन स्कूल कॉलेजेस ने कभी अपने उन पुरातन छात्रों को पहचानने का प्रयास किया, उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया? थोड़ा भी प्रयास कर लेते तो मुझे लगता है कि शासन की सहायता के बगैर भी हम हर एक विद्यालय की कायाकल्प को करते हुए सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से उन्हें संपन्न कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पहल की आवश्यकता है। एक शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, वह योजक होता है, समाज का योजक होता है, राष्ट्र का योजक होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है, और उसको वह न्यू मजबूत करनी होती है। एक एक को न्यू मजबूत तब होती है जब एक एक को जोड़ता है। कहीं भी कुछ नयापन है, शिक्षा जगत में हो, समाज जीवन में हो, राष्ट्रीय जीवन में हो, उन सबको अपने तरीके से एक दृष्टि देकर के एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास, ऑपरेशन कायाकल्प उसी का हिस्सा था, जिसमें प्रदेश के अंदर 1,35,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जन सहभागिता के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित उन्हें किया गया। आज मैं मानता हूं हो सकता है कुछ विद्यालय ऐसे भी होंगे जिनमें अभी भी पुरानी स्थिति होगी, हो सकता होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि 1,43,000 में से जो संख्या वर्तमान में है उनमें से 1,35,000 विद्यालय आज के दिन पर ऐसे हैं जहां पर उनके फर्नीचर ठीक, वहां पर उनका फर्श अच्छा बना है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने हैं, पेयजल की सुविधा है, सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था या विद्युत के कनेक्शन के माध्यम से स्मार्ट क्लास लाइब्रेरी की सुविधा वहां पर प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है, और ये सभी सुविधाएं देने के साथ ही कुछ न कुछ नया उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने, विद्यालय के शिक्षकों ने और विद्यालय की जो पुरातन छात्र परिषद है या प्रशासन ने या जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के वहां पर कुछ न कुछ नया किया है, और आज उसका परिणाम भी वहां देखने को मिल रहा था। निपुण भारत अभियान इसी का एक हिस्सा है, प्रधानमंत्री जी की उस मंशा को कि हमें अपने विद्यालय को, हमें अपने ग्राम पंचायत को, हमें अपने विकास खंड को, हमें अपने जनपद को और अंततः हमें अपने प्रदेश को निपुण बनाना है, और उसी क्रम में आपने 3 बच्चों का प्रदर्शन यहां पर देखा होगा कि अगर यह अभियान प्रदेश भर के सभी शिक्षक अपने हाथों में ले लें, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना प्रारंभ कर लें, एक विद्यालय में कितने बच्चे होंगे, एक शिक्षक के पास कितने बच्चे आएंगे, बहुत होंगे 25, 30, 40। एक शिक्षक अगर उन 40 बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गांव में महीने में एक बार दो बार भ्रमण करते हुए घूम करके उन परिवारों के साथ मिलेंगे तो सामाजिक अध्ययन का एक बहुत बड़ा माध्यम उनके सामने होगा। गांव की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति की एक जानकारी उनके पास होगी, गांव के इतिहास के बारे में एक जानकारी उनके पास होगी, बच्चों के बारे में जानकारी देने और परिवार से जानकारी लेने का एक माध्यम होगा, और उसके माध्यम से वो एक डाटा कलेक्ट करके विद्यालय की एक बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं और शिक्षा जगत के बारे में भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
एक संवाद के क्रम को हमें बाधित नहीं होने देना है। और मुझे प्रसन्नता है, अनेक प्रकार के जो पोर्टल बनाए गए, दीक्षा पोर्टल हो, निपुण भारत का हो, या फिर मैं देख रहा था अभी मुझे नीति आयोग भारत सरकार की एक बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं उनके दस्तावेज को देखने लग गया, मैंने देखा उसमें एक मुझे चैप्टर देखने को मिला कि सक्सेसफुल स्टोरी इस राज्यों की क्या है। तो मैं शिक्षा में देखने लग गया तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के, मैंने जब उत्तर प्रदेश को पलटा तो उत्तर प्रदेश में मुझे क्या देखने को मिला, सक्सेसफुल स्टोरी देश के लिए क्या था, एक ऑपरेशन कायाकल्प। मैंने देखा पूरे भारत सरकार, नीति आयोग ने भी उसको देखा, प्रेरणा ऐप, इसको भी उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी के रूप में स्वीकार किया। और भी अन्य अनेक ऐसे कार्यक्रम थे जिसको एक सक्सेस स्टोरी के रूप में भारत सरकार ने, नीति आयोग ने भी स्वीकार किया। क्या हम भी अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं? हर एक शिक्षक करने में सक्षम हो सकता है, और उस दिशा में हमारे स्तर पर किया जाने वाला प्रयास एक बच्चे के सर्वांगीण विकास का माध्यम बन सकता है। आज जो इस कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है, हमने कुछ विद्यालयों के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम संपन्न भी किए हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 पोर्टल हम लोगों ने यहां पर लॉन्च किए हैं, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रमों को यहां पर संपन्न किया है, और साथ साथ राज्य पुरस्कार भी यहां पर दिए हैं। राज्य पुरस्कार में शिक्षकों को भी और प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया है। ये पुरस्कार ये केवल एक सम्मान नहीं है, एक नई जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इस बात की कि आपकी प्रतिस्पर्धा अब आपकी स्वयं से है, आपने जितना किया है अब उससे आपको आगे बढ़ना है और फिर दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। जिन शिक्षकों को राज्य पुरस्कार मिला है, राज्य पुरस्कार का मतलब ये नहीं, और मैं तो ये चाहूंगा एक व्यवस्था में लागू करनी चाहिए कि पुरस्कार चयन की प्रक्रिया को, मैंने इसीलिए कहा था विगत वर्ष वे चीजें आई थी, हमने कभी देखो अक्सर होता क्या था, पुरस्कार वह व्यक्ति प्राप्त करता था जो कभी स्कूल नहीं जाता था। मैंने देखा है, मैंने एक बार यहां पे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इसीलिए स्थगित करवा दिया था। मैंने कहा भी इसमें जो नाम आए हैं इनको तो मैं रोज देखता हूं, केवल फालतू घूमते रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं, इनको क्यों पुरस्कार दे रहे हैं? इससे वास्तविक शिक्षक अपने आप को अपमानित महसूस करता है। स्थगित करो इसको, और नहीं तो अपने स्तर पर करना, अपने स्तर पर करो, मैं इस कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, और मैं उस कार्यक्रम में भागीदार नहीं बना, कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। और इसीलिए मैंने कहा था चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, वास्तविक शिक्षक को सम्मानित किया जाना चाहिए जो ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान देकर के राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का अपने को हिस्सा बनाया हुआ है, एक प्रधानाचार्य जो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए अपने विद्यालय को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बना रहा है, और वह सम्मान उसी का हिस्सा है, ये उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये केवल 2 साल उन्हें सेवा विस्तार मिल जाए या उन्हें एक निश्चित राशि पुरस्कार के रूप में हम दे दें या परिवहन निगम की बसेज में उनको इतने किलोमीटर तक फ्री में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ये बहुत गौण चीजें हैं। महत्वपूर्ण ये कि एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर आ रही है, और जिम्मेदारी इस बात की कि उन्होंने अब तक जो किया है इससे उनकी स्वयं की प्रतिस्पर्धा होगी, अब उनको उससे आगे बढ़ करके कार्य करना है और कुछ नयापन करके दिखाना है, एक नयापन करके दिखाना है, कुछ नया देना है समाज को। ये उनके जीवन का आत्मसंतुष्टि का एक माध्यम बनेगा, और इस दिशा में, इस प्रयास में हम सबको
ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। और मैं आह्वान करूंगा, विगत 5 वर्ष के अंदर बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, नियुक्ति की प्रक्रिया जब हम करेंगे तो नियुक्ति की प्रक्रिया को इतनी पारदर्शी तरीके से संपन्न करेंगे कि किस शिक्षक का ट्रांसफर की प्रक्रिया हो पता भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता होगा, हमारे मंत्री को भी पता नहीं होगा, विभाग के प्रमुख सचिव को भी नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति को कहां जाना है। मेरिट के आधार पर हम पूरी प्रक्रिया को अपनाएंगे और लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया था, हर एक स्तर पर उसको लोगों ने माना। आज हमें तय करना होगा, प्रदेश ने, नीति आयोग ने जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के आकांक्षात्मक जनपद चिन्हित किए थे, मैं धन्यवाद दूंगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जो पैरामीटर थे उसमें शिक्षा में थे, स्वास्थ्य में थे, स्किल डेवलपमेंट में थे, इन सभी में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर जो टॉप 10 यानी जो 112 जनपद चिन्हित हुए थे पूरे देश भर में, उनमें से 8 जनपद यूपी के थे। और मुझे प्रसन्नता है कि 8 जो जनपद यूपी के थे टॉप 10 में, जिन्होंने अपने रैंकिंग में सुधार किया, उसमें से टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 8 में से 5 जनपद आए थे और टॉप 20 में सभी 8 जनपद यूपी के आ गए थे। ऐसे अब हम लोगों ने 100 ऐसे विकास खंडों का चयन किया है जो प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, कृषि के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट में और वित्तीय समावेशन आदि में अभी भी पीछे हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने के लिए कार्य करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ है। और मैं इसके लिए शिक्षा विभाग से ही मैंने कहा है, सभी संबंधित विभाग से कहा है कि वहां पे 100% मानव संसाधन होना चाहिए और उस विकास खंड में तकनीक का उपयोग करते हुए हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और एक समय सीमा के अंदर उन्हें सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर आगे बढ़ाना है। यह एक कार्य अच्छी दिशा में हमें करके दिखाना होगा, ये संभव है। और इसलिए आज यहाँ पर जो पुरस्कार वितरण हो रहे हैं, ये अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए शिक्षक हैं जिन्होंने कुछ नया किया है, प्रधानाचार्यगण हैं जिन्होंने कुछ नया किया है। यहाँ पर मैं देख रहा था कि CBSE बोर्ड में बुलंदसर की भी एक बालिका ने सीनियर सेकेंडरी में, और सेकेंडरी लेवल पर भी एक बालिका शामली से 500 में से 500 नंबर पाई है। पूरे देश के अंदर दोनों बालिकाएं हैं और दोनों बालिकाओं ने पूरे देश के अंदर मेरिट सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। दोनों बालिकाएं उत्तर प्रदेश की हैं। यह कार्य हम लोग भी कर सकते हैं, हम भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। और आज तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही बच्चों को नहीं देना है, उसको व्यावहारिकता से भी भरपूर करना है। हमें बच्चे को हर चुनौती के योग्य बनाने की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अक्सर मैं देखता हूँ मीडिया में कुछ चीज़ें आती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि हो सकता है नेगेटिव लगती हो, लेकिन उसको हम नेगेटिव परपेक्स में देखते भी नहीं। जैसे अक्सर आता है कि स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, मुझे लगता है बुरा नहीं, लेकिन अगर शिक्षक भी प्रयास करें कि वह बच्चों के सामने स्वयं झाड़ू लगा करके एक बार वहां पर उस प्रक्रिया के साथ जुड़े, तो अपने विद्यालय में हम लगा रहे हैं, क्या कल कोई हमारे घर, हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, तो क्या इसके लिए क्या कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी नेगेटिव उसमें देखेगा? ये हमारी ड्यूटी है, अपना कार्य स्वयं करना, ये तो स्वावलंबन का लक्षण है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति अपने स्तर पर जब प्रारंभ करेगा
तो ही तो उसे प्राप्त कर पाएगा। अब अपने स्कूल में झाड़ू लगाना कहां से बुरा हो गया? मुझे आश्चर्य होता है, अपने स्कूल में झाड़ू लगाना यह बुरा हो गया। ये देखिए बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं भी इसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। बच्चे को हमें तैयार करना होगा, शिक्षक भी खड़ा हो और हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हमारे ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं संचालित होती हैं। एक संस्था 2005 में प्रारंभ हुई, वो बहुत प्रतिष्ठित पीजी कॉलेज है वर्तमान में। 2008 में वहां के प्राचार्य ने मेरे पास एक दिया कि हमारे पास फोर्थ क्लास के जितने कर्मचारी हैं इनको दूसरी संस्था में भेज दिया जाए। तो मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाला था, मैंने कहा भी ये क्यों? उन्होंने कहा, मैंने कहा भी क्या आप नई नियुक्ति करना चाहते हैं? कहा नहीं। तो मैंने उनको दूसरे विद्यालयों में भेज दिया, क्योंकि मुझे ये व्यवस्था देखनी थी उस समय, तो मैंने उनको भेज दिया। मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा क्यों? क्या कहा कि हमारे यहां सारा काम हमारे हर छात्र हर शिक्षक स्वयं करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे, वहां पर सारी व्यवस्था का संचालन वहां का शिक्षक, वहां के छात्र, वहां की छात्राएं स्वयं उठाती हैं। सफाई की व्यवस्था हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो, स्कूल के क्लासेस की सफाई की व्यवस्था हो, या प्रांगण की सफाई, या वहां की बागवानी की व्यवस्था का कार्य। और भारत सरकार की एक स्वच्छता की रैंकिंग आई थी, जिसमें देश के ऐसे स्वच्छ विद्यालयों की सूची की जब बात आई तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कभी 2005 में इन्होंने अपने यहाँ के सभी ऐसे लोगों को उन्होंने दूसरी जगह स्थानांतरित करके उन्होंने कह दिया था कि साहब हम स्वयं जिम्मेदारी लेंगे। मैंने कहा भी आप लोग भी इसमें आवेदन करिए। सबसे बाद में उसने अपनी एंट्री की और देश के अंदर जितने भी हायर एजुकेशन के संस्थान होंगे उन हजारों संस्थानों में उस विद्यालय की 36वां रैंक उसे स्वयं प्राप्त हुआ। बिना किसी प्रयास के एंट्री के उसने अपना स्थान प्राप्त किया। हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कार्य कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। मैं लखनऊ में एक कॉलेज में गया था, बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे विद्यालय के ऊपर, भवन के ऊपर उगे हुए थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा भी ये विद्यालय चलता है या कहानी चालू है? तो मैंने कहा जो लोग इस विद्यालय में आते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य या विद्यालय के अन्य अध्यापक, क्या उनको ये पेड़ दिखाई नहीं देते हैं क्या? अरे पेड़ जो ये बरगद जमा हुआ है ऊपर, पीपल जमे हुए हैं ऊपर, ये कहीं जमीन में होते तो अच्छा लगता, और भवन को नुकसान पहुंचाएंगे, भवन हेरिटेज बिल्डिंग बन सकती थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। उस प्रकार की कोई भी प्रयास नहीं हुआ कि हम इस विद्यालय के प्रति हम आत्मीयता का भाव पैदा कर सकें। जो विद्यालय हमारे लिए हर प्रकार की सुविधा दे रहा है, हमें सम्मान दे रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक मंच दे रहा है, वो हमारे लिए मंदिर जैसा पवित्र होना चाहिए, धर्मस्थल जैसा पवित्र होना चाहिए। और उस दिशा में उस सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। और मैं आज के इस अवसर पर इन सभी प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को, जिन्हें आज राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इस नई जिम्मेदारी को उन्हें संभाल कर रखना है। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कल उनकी कार्य पद्धति पर कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, किसी को कहने का अवसर प्राप्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हम आगे बढ़ाने की तैयारी करें, अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करें। अपने विद्यालय को कैसे हम इन सभी बातों के साथ जोड़ करके, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ा हुआ है, जो आज प्रत्येक क्षेत्र में जब शासन स्तर पर आपसे जुड़ी भी समस्याओं के सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है,
उन स्थितियों में उसी सकारात्मक भाव के साथ शासन भी आपसे अच्छे परिणाम की अपेक्षा रखती है। इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए अपने सभी संस्थानों का आह्वान करूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें, शिक्षा को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक और तकनीकी रूप से सक्षम छात्रों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास यहाँ से प्रारंभ हो। शिक्षण संस्थानों को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ें, समाज के प्रति निरपेक्ष भाव नहीं बल्कि समाज के सापेक्ष हम अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।